तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में 354वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री तारिकिशोर प्रसाद और विधानसभा अध्यक्ष पटना साहिब गुरुद्वारा और बाल लीला गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज और गुरुद्वारा परिसर में बनाए गए विशेष दीवान में माथा टेक आशीर्वाद लिए। वही गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी द्वारा उपहार स्वरूप सौरापा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुद्वारा के विशेष दीवान में कृति मंडल के साथ बैठकर भजन सुने। राजगीर में वो आए थे, शीतल कुंड है वहाँ पर भी कितना अच्छा सब कुछ का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हम लोगों की जो श्रद्धा उसको तो मेडिट करना था, अपना प्रकट करना ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए आज जो फिर ये कार्यक्रम चल रहा है इसलिए यहाँ करके श्रद्धा आए हैं और सभी बिहार वासियों देशवासियों को कहना चाहेंगे जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने अपने ऊपर मैं के लोगों किसका रखा हूं सेवा का धर्म है, वो सेवा का धर्म हमेशा निभाते रहे, चाहे जितना भी दुश्मन रहे उसकी सेवा करते रहे। मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए सभी को मानवता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा परम धर्म है।